सुपर सॉफ्ट। अगर आप भी ये सुपर सॉफ्ट डिलीशियस से दिखने वाले बिल्कुल हलवाई जैसे एकदम नर्म मुलायम दही भल्ले बनाना चाहते हैं तो आइए बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस, आज शालमानी किचन में ईद स्पेशल में बनने जा रहे हैं ये दही भल्ले, जो कि बनेंगे उड़द की दाल जो सफ़ेद होती है और ये मूंग दाल। हम इन दोनों को मिलाकर बनाएंगे, क्योंकि उड़द की दाल बादी होती है इसलिए इसको थोड़ा लाइट करने के लिए हम मूंग की दाल शामिल करेंगे। अगर आप खाली उड़द दाल से बनाना चाहते हैं तो आप उड़द दाल से भी बना सकते हैं। तो आप इसे या तो पूरी रात के लिए भिगो कर रख दें, या अगर आपके पास भूल गए हैं आप, टाइम नहीं है, तो आप सुबह को इसको नीम गर्म पानी में भिगो कर रख दीजिए 4-5 घंटे के लिए और तब यूज़ कीजिए, तो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे आपके फिर दही भल्ले। तो चलिए आइए इसको भिगो देते हैं। बस मैंने आपको दिखाने के लिए इसको रखा था अलग अलग, अब मैं इनको भिगो देती हूँ एक साथ एक बर्तन में डालकर। इनको भिगो देते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ दाल को भिगे हुए 6 से 7 घंटे हो गए हैं। तो अब दाल को इस तरह से आप किसी छलनी से या तो पूरी दाल को छान लीजिए, नहीं तो इस तरह से बिल्कुल इसका पानी निकाल कर और इसको पीस लीजिए। इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है तो बस इस तरह से दाल का पानी निकाल कर आप पूरी दाल को पीस लीजिए। चलिए इसे पीस लेते हैं। तो बस यहाँ दाल मैंने पीस ली है, इसमें बस ज़रूरत के मुताबिक 1-2 चम्मच पानी डालकर ही आप दाल पीसें। दाल को ज़्यादा पतला ना रखें, इसको गाढ़ा ही रखना है। दही भल्ले बनाते हुए सबको ये डर लगता है बनाने से पहले कि पता नहीं हलवाई जैसे बनेंगे या नहीं, या अंदर से कच्चे तो नहीं रह जाएंगे, हार्ड तो नहीं रह जाएंगे। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके दही भल्ले बिल्कुल जैसे आप मार्केट में खाते हैं हलवाई के, इसी तरह के बनेंगे इंशाल्लाह। तो आ जाते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप पर। हमें अब करनी है इसकी फिटाई, जो कि हमें एक ही डायरेक्शन में करनी है, ना कि हमें इस तरह कभी इस तरह नहीं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमें इसकी फिटाई करनी है, जिसे आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना होगा और लगातार 5 मिनट तक आप इसकी फिटाई करें। ये एकदम वाइट हो जाएगी और बहुत लाइट हो जाएगी। गाइज, अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह आसान और अच्छी रेसिपी लाती रहूं। बस हमें इसी तरह इसकी फिटाई कर लेनी है। अगर आप इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें अदरक घिसकर डाल सकते हैं और बारीक कर काट कर हरी मिर्च डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो। मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो इसलिए मैं शामिल नहीं कर रही हूँ। अगर आप खाना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो आप इसमें इस वक्त पर अदरक और हरी मिर्च डाल सकते हैं। ना कोई आपको सोडा डालना होगा, कुछ नहीं, आपके दही भल्ले बहुत अच्छे तैयार होंगे बनकर इंशाल्लाह, एकदम फूले फूले बहुत अच्छे सॉफ्ट तैयार होंगे। 3 से 4 मिनट मुझे यहाँ फेंटते हुए हो गए हैं लगातार, बस थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन यहाँ आप मेहनत कर लेंगे तो आपके दही भल्ले बिल्कुल मार्केट जैसे जैसे हलवाई बनाते हैं बिल्कुल सुपर सॉफ्ट बनेंगे। यही सीक्रेट है बस दही भल्ले जो सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए इसकी पहचान, अगर आप ऐसे हाथ में अमाउंट लेंगे और ऐसे आप करते हैं तो ये नीचे नहीं गिरेगा, यानी कि हमारी दाल तैयार है। अगर आप नहीं गिरेगा एकदम से, ये देखिए ये रहा, तो इसका मतलब हमारी दाल तैयार है। बस ये तैयार है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है हमारे दही भल्लों का। देखिए कितनी वाइट हो गई हमारी दाल और कितनी लाइट हो गई है। अब हमें अपनी इस दाल को दे देना है 10 मिनट का रेस्ट, फिर इसके बाद बनाते हैं। तो इतने हमारी दाल रेस्ट पर है, तो इतने दही भल्लों का पानी तैयार कर लेते हैं तब तक हम। तो यहाँ है मेरे पास हींग, इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून डालूंगी नमक। इन दोनों को हमें शामिल कर देना है, इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। हमारे भल्ले तलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
तो यहाँ मेरे पास है मीडियम हॉट ऑयल, इन्हें ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं तलना है, बस इस तरह से इस तरह डाल, ये अपने आप साइज़ में बड़े हो जाएंगे क्योंकि हमने दाल की फिटाई बहुत अच्छे से की है। छेड़ना नहीं है, अभी डालने के बाद इस तरह से बस तेल को इनके ऊपर चम्मच से इनके ऊपर डालना है हमें इस तरह से। अभी इन्हें छेड़ना नहीं है, पलटना नहीं है, बस इस तरह से हमें बस इनको पलट देंगे और इनको मीडियम लो फ्लेम पर ही हमें तलना है। अभी ये अंदर से परफेक्टली कुक होते हैं, तो बस ये मीडियम हीट पर बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं मीडियम लो हीट पर। देखिए साइज में भी कितने बड़े हो गए हैं ये, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ बाहर। देखिए कितना अच्छा इसमें जाल बनकर आया है, और जब ये पानी में जाएंगे, अब ये बहुत गर्म है, जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो हमने जो पानी बनाया है ये उसमें शामिल कर देंगे अपने सारे बल्ले। तो बस इन्हें हम शामिल कर देते हैं इस पानी में, ये रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं, और इन्हें 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, 1 से 2 घंटे के लिए अगर आपके पास टाइम है तो। बस इन्हें ढककर छोड़ देते हैं। तो बना लेते हैं अपने चाट के लिए, दही बल्लों की चाट के लिए एक इंस्टेंट मसाला जो चाट पर डलता है। तो इसके लिए यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून है यहाँ पर काला नमक, 1 टीस्पून है चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा कम है लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून है सफ़ेद नमक। हम मिला लेंगे चीज़ों को, और ये बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा हमारा इंस्टेंट मसाला बनकर तैयार है दही बल्लों के ऊपर चाट के ऊपर डालने के लिए। बस इसको मिक्स करके रख लेंगे, ये आप कई महीने तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। आप एक बार बना लीजिए और इसको एयरटाइट कंटेनर में डालकर आप स्टोर करके रख लीजिए, जब भी आप चाट बनाएं, कोई सी भी चाट बनाएं, आप उस पर इसे इस्तेमाल कीजिए, स्प्रिंकल कीजिए। और इसमें जाएगी फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून। कर लेते हैं मिक्स, और ये मसाला बनकर रेडी है। तो ये कई घंटे हो गए हैं, तो इनको हल्के हाथ से निचोड़ते हुए इस तरह से बहुत हल्के हाथ से इनका पानी निकालेंगे, और यहाँ हम अपने डिश में अरेंज कर लेते हैं। इसी तरह से हम इसी तरह से बहुत हल्के हाथ से प्रेशर देते हुए हम अपने, तो बस हमने अपने भल्ले रख लिए हैं यहाँ जिसमें हमें सर्व करना है। तो अब इस पर डालते हैं हम दही, मसाला बनाकर रखा है चाट का इंस्टेंट मसाला, ये इस पर स्प्रिंकल करेंगे। डालेंगे इस पर सौंठ हम अब, ये हरी चटनी, बस हमारी दही बल्लों की प्लेट तैयार है। तोड़कर देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये देखिए, ये कितने सुपर सॉफ्ट बने हैं। बस ये बेहतरीन से दही बल्ले आप भी बनाइए थोड़े से इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।